पुलिस की सख्ती का असर दिखा। कानपुर में यतीम खाना मस्जिद में अदा हुई नमाज, सब कुछ शांतिपूर्ण रहा। कानपुर के शहर काजी की बात का दिखा कानपुर में असर, लोगों ने शांतिपूर्वक जुमे की नमाज की अदा। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस चप्पे चप्पे पर रही तैनात। कानपुर के कमिश्नर विजय सिंह मीणा के निर्देशों का पालन करते दिखाई दिए कानपुर के पुलिसकर्मी। जुमे की नमाज को लेकर मस्जिदों के इमामों ने की थी शांतिपूर्वक रहने की सभी से अपील। कानपुर के यतीम खाना परेड एवं हलीम कॉलेज पर पुलिस ने किया मुस्तैदी से पालन। जुमे की नमाज में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से मस्जिद में नमाज अदा की। कानपुर की आवाम ने कानपुर के कमिश्नर विजय सिंह मीणा के निर्देशों का पालन करा। आठिया न्यूज 24 के संवाददाता फरमान ने ग्राउंड रिपोर्ट में क्या कुछ दी जानकारी, देखें इस रिपोर्ट में। हम आपको बता दें कि कानपुर नगर को छोड़कर कानपुर नगर की बात करी जाए या अन्य शहरों की बात करी जाए, एक मुद्दा बहुत ही चर्चा में बना हुआ है। जी हाँ, वो मुद्दा है नुपुर शर्मा का। उन्होंने जो एक विवादित बयान दिया था पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ, उसका कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन कभी सभी जगह पर हो रहा है। अगर हम बात करें कानपुर नगर में भी अगले शुक्रवार को इसका विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें दो समुदाय आपस में भिड़ गए थे। उसमें पुलिस ने गहनता से जांच करी है और दोषियों को जेल भी भेजा है, लेकिन उसकी जांच के बाद कानपुर नगर के कमिश्नर विजय सिंह मीणा जी के द्वारा शुक्रवार के दिन होने वाली नमाज में कुछ अफवाहें उड़ाई गई थी कि लोग बंदी करेंगे, उसको देखते हुए कानपुर नगर के कमिश्नर जी के द्वारा आला अधिकारियों की टीम को गठित किया गया। और टीम को गठित करने के बाद उनको ये निर्देश दिए गए कि अपने अपने एरिया में शांतिपूर्वक माहौल बनाया जाए। शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखने के लिए आला अधिकारियों के जो अधिकारियों ने पीस कमेटी की बैठक करी, उसमें धर्मगुरुओं को भी बुलाया। धर्मगुरुओं से ये बात करी गई कि शुक्रवार के दिन नमाज के बाद लोग अपने अपने घरों से शांतिपूर्वक निकलें और जुमे की नमाज को अदा करें। नमाज को अदा करने के बाद वो अपने घरों में जाएँ या अपनी दुकानों में जाएँ, कहीं पर भी जाएँ, लेकिन माहौल को पूरी तरीके से शांतिपूर्वक देखा जाए। वहीं अगर हम बात करें मस्जिदों के पेश इमामों की, तो उन्होंने भी नमाज से पहले ये अपील करी कि लोग नमाज के बाद अपने अपने घरों में शांतिपूर्वक माहौल बनाएं और कानपुर नगर की पुलिस का पूरा पूरा सहयोग करें। कानपुर नगर से नसीम अहमद के साथ मोहम्मद फरमान, आरटीआई न्यूज चैनल कानपुर। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।